सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना हेयर कट करने वाली हूँ। अभी 15 डेज पहले मैंने अपने हेयर कट कराए थे, लेकिन वो हेयर कट मुझे पसंद नहीं आया और उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, कभी भी व्लॉग में शेयर करूँगी। सो वो हेयर कट कुछ आगे से फ्लिक्स था, पीछे से बराबर थे, और आजकल मेरे बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर हो रहे, हेयर फॉल भी हो रहा है, तो मैं आज अपने से हेयर कट कर रही हूँ। और आज मैंने बटरफ्लाई हेयर कट करने का सोचा है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने बालों में अच्छे से कॉम कर लीजिए। बालों को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो कान के ऊपर से एक पार्टीशन करनी है और ऊपर एक पोनीटेल बनानी है, फ्रंट पे बनानी है फोरहेड के सेंटर में, और उसके बाद दूसरी पोनीटेल बनानी है जो पीछे के हमने हेयर छोड़े हैं ना, उस पर दूसरी पोनी टेल बनाएंगे। और वो भी जितना आप हाई बना सकते हो पोनी टेल, आप उतना हाई पोनी टेल बनाइए। और ये मैं अपने से नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे हैं यूट्यूब में, उसके बाद ही मुझे समझ आया, मुझे नहीं पता कैसे करते, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सो बस इसके लिए मैंने एक कॉम लिया है, जितनी लेंथ फर्स्ट वाली पोनी टेल से नीचे से मेज़र करेंगे, जितनी लेंथ फर्स्ट पोनी टेल की कट करना है सेम वही लेंथ पीछे वाली पोनी टेल की भी कट करना है। तो मैंने एक छोटा सा कॉम लिया है मेजर करने के लिए, इसको मैं मेजर करके कट कर रही हूं। और कट करने के बाद आप छोटी सीजर से 45 डिग्री एंगल में थोड़ा सा उसको चॉप 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 कर देना, तो उससे लेयर्स अच्छे दिखते हैं। और उसके बाद दूसरी जो बैक वाली पोनीटेल है वो कट करेंगे। बैक पोनीटेल को भी मैं आगे लेके आ रही हूँ, और ये मेरे आगे वाले जो पोनीटेल है वो काफ़ी लंबे हैं, तो थोड़ा काटने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उस पर क्लचर लगा के उसको साइड में क्लिप कर दिया है। और बस पीछे वाली पोनीटेल को आगे ला के उसी सेम कॉम से मेज़र करके उतनी लेंथ कट करेंगे जितना फर्स्ट फ्रंट वाली पोनीटेल का कट किया था, इसको भी कट कर लेंगे। और इसमें भी लेयर्स देना है, मतलब लेयर्स आएंगे इसमें पीछे से, आपको दिखेगा कट होने के बाद। मैंने एक बार और पहले अपना हेयर कट किया था जब मैं मतलब अभी बहुत छोटा था, तब किया था। आज मैं सेकेंड टाइम कर रही हूँ अपना हेयर कट, तब भी बहुत अच्छा हो गया था। अभी ये देखिए ये कट हो चुका है, पीछे वाला पोनी टेल एटलीस्ट 4-5 इंच छोटा होना चाहिए आगे वाले पोनी टेल से, आप ऐसे मेज़र कर सकते हो। अब उसको ओपन करते हैं, फाइनली कट हो गया, बहुत ईजी है। 10-15 मिनट लगे थे मुझे सब कुछ प्रिपेयर करने में, कट करने में, तो ओपन करके देखते हैं कैसा हुआ है। और ये बटरफ्लाई हेयर कट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और अच्छा भी लगता है लॉन्ग हेयर में, इससे आपकी लेंथ कम नहीं होती, उसमें लेयर्स और कर्टन बैंग्स थोड़े से सामने से दिखते हैं, वो अच्छा लगता है। सो मेरे इतने ज़्यादा फ्रिजी हेयर हैं, इनको मैं सेट करूँगी तभी शायद लेयर समझ आएगा, बट फिर भी पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। और ये जो पहले हेयर कट कराया मैंने वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और पता नहीं जैसा मैंने बोला था वैसा कट किया नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने से खुद से ही करती हूँ, और थोड़े लंबे हो जाएंगे आगे के फिर मैं बाहर से एक हेयर कट लूँगी। सो ये पीछे से देख सकते हो आप, थोड़ा कॉम करती हूँ मैं, तब आई थिंक अच्छे से समझ आएगा लेयर्स, और सेट करने के बाद अच्छे से दिखेंगे। साइड से समझ आ रहे हैं मेरे हेयर बहुत फ्रीजी, बहुत हेयर फॉल है, इसलिए मुझे कट करना ही पड़ा अभी, और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है अभी, मेरे बालों की क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, मुझे इस पे काम करना पड़ेगा, इसलिए छोटे हेयर रहेंगे तो ईजी रहेगा। और ये अच्छा लग रहा है मुझे, पीछे से मैंने चेक किया है, काफ़ी अच्छा कट हुआ है, फर्स्ट टाइम है बट बहुत ईजी है।